नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है स्पीडोमीटर नीडल्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरपीएम मीटर की जो नीडल है वो भी टूटी हुई है और स्पीडोमीटर की नीडल है वो भी टूटी हुई है। इसकी भी जो फ्यूल गेज है उसकी भी टूटी हुई है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इन दोनों से। तो ये मेनली आपकी जो नीडल्स हैं ये प्लास्टिक की बनी होती हैं, और जब भी आपका मीटर केस जो कहीं से डैमेज हो जाए या आपकी जो ये प्रोटेक्टिंग ग्लास दिया होता है ये कहीं से क्रैक हो जाए और इसमें पानी चला जाए, तो ये जो प्लास्टिक की नीडल्स हैं ये हार्ड होके जो है वो टूटने शुरू हो जाती हैं। तो मेरे केस में भी जो मेरा ये मीटर केस जो था वो टूटा हुआ था, और उसी की वजह से जो मेरी ये नीडल्स जो वो टूट गई थी। तो अगर आपने मेरी मीटर केस को रिस्टोर करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आइए शुरू करते हैं इन नीडल्स को रिपेयर करना। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो ये अपना मीटर केस जो है वो अपनी बाइक से जो है निकाल लेना है। देन उसके बाद जो आपको इसके जो ये बैक कवर को खोलना है, इसके यहाँ पे जो है स्क्रूज़ दिए होते हैं, यहाँ पे 3 स्क्रूज़ दिए हुए हैं, आपको इनको खोल लेना है। जैसे ही आपके ये स्क्रूज़ खुल जाएं, उसे ही आपको जो है अपना बैक कवर जो है वो ऐसे निकाल लेना है। देन आपको जो है वो अपना ये फ्रंट कवर जो है वो खोलने के लिए जो यहाँ पे स्क्रूज़ दिए होते हैं, यहाँ पे साइड्स पे स्क्रूज़ दिए होते हैं, वो खोल लेने हैं। देन आपको सिंपली जो है वो इसका फ्रंट कवर जो इस तरह से निकाल लेना है। देन आपको जो है वो अपनी ये स्पीडोमीटर के ऊपर जो ये देख सकते हैं, इसके ऊपर ये लगा हुआ है राउंड सा, आपको जो है इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये निकाल के ही जो है वो नए नीडल्स जो हैं वो इसमें लगानी है। तो इन्हें खोलने के लिए जो आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो इन्हें खोलना होगा। आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें जो है स्लोली स्लोली जो है वो यहाँ से धीरे धीरे आपको यहाँ से ये है दोनों तरफ से बराबरी से जो है इसे निकालते निकालते देख सकते हैं ये आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे ही आपको जो भी ये आरपीएम मीटर का भी निकाल लेना और ये फ्यूल गेज का भी जो वो निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो अपने ये तीनों के तीनों जो निकाल लिए हैं। इसके बाद वो अपने जो आपका जो ये स्पीडोमीटर है इसे साइड में रख दें। अब जो हमें यही इन्हीं के ऊपर जो काम करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो ये पुरानी वाली जो नीडल है इसे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए जो आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये एक किस्म से इनको जो है वो प्लास्टिक बेल्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक जो है ये बाहर को निकाल के यहाँ से गर्म करके इनको जो है वो जोड़ दिया हुआ है। तो आपको जो इन्हें यहाँ से अपना किसी चीज़ को गर्म करके जो है इन्हें पहले यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा, ताकि ये आपकी ये पूरी की पूरी जो नीडल है वो बाहर आ जाए। और अगर आपको कहीं से जो है ये पुरानी नीडल्स जो हैं पुराने मीटर से कहीं से मिल जाती हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो उन नीडल्स को निकाल के इनमें लगा सकते हैं। लेकिन पुराने मीटर की जो नीडल्स हैं वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सेकंड हैंड मीटर ही कहीं से ख़रीदना पड़ता है और वो बहुत महंगा पड़ जाता है, या आपको कहीं किसी कबाड़ी वाले के पास में अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो आप उसको जो है डायरेक्टली जो है उन मीटर्स से इन नीडल्स को निकाल के इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती हैं तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वही बेस्ट है। आप जो है इन नीडल्स की जगह पे वो चीज़ लगा के अपनी नीडल्स को एकदम नया जैसा बना सकते हैं। तो आइए अब जो हम इन पुरानी वाली नीडल्स को जो है वो निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो इसे गर्म करके जो यहाँ पे जो ये मेटल वाली साइड का जो है ये यहाँ से इसे प्लास्टिक को जो है रिमूव कर दिया है, ये देखिए डिफरेंस। तो आपको भी जो इसके जो मेटल वाली साइड का जो इसे ही बर्न करना है, दूसरी वाली साइड को बर्न नहीं करना है, क्योंकि ये सारा जो है प्लास्टिक का बना, और अगर आप इसे बर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो ये सर्कुलर है ये भी आपका जो डैमेज होएगा। तो ये जो मेटल वाली साइड का है
सिर्फ इसे ही आपको बंद करना है, ध्यान से करना है कि कहीं आप इसे भी डैमेज ना कर दें। तो और उसके बाद जैसे ही आप इसे बंद कर लें, तो ये जो मेटल वाली साइड का है देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा जो अब ये ब्लेड है ये आसानी से जो है ये देखिए ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और यहाँ से हमारा ब्लेड जो है वो नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे आपको जो ये इससे जो प्लास्टिक है उसे ब्लेड से जो है वो काट देना है आपको। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से लूज़ हो गया और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मेटल वाला पार्ट है ये नीचे ही आ गया किस्म से, और इसके बीच में ये देखिए ये जो प्लास्टिक फिल हुई हुई है ये भी आ गई। ऐसे ही आपको जो वो पूरी की पूरी जो है इसे ही ब्लेड के साथ जो वो काट लेना है। वो जैसे आप देख सकते हैं पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अगर आपके केस में ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी फ्यूल गेज है और इसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो इसे जलाने में थोड़ी जो मुश्किल हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे में आप जो डायरेक्टली जो है वो ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे जो ये वाले हैं इनमें भी आप डायरेक्टली ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ब्लेड जो है वो यहाँ पे चला जाए नीचे, तो आपको सिंपली जो ये यहाँ से ऐसे कट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेटल पार्ट है इसमें से निकला है, ये इसमें बैलेंसिंग का काम करता है, तो इसे संभाल के रखिए। हमें इस जो है वो जब हम नीडल को इसके ऊपर जो है वो चिपकाएंगे तो वो साथ ही साथ में हमें ये भी बैलेंसिंग के लिए जो चिपका देना है यहाँ पे। तो नीडल के लिए जो है हमें कोई ऐसे एक कॉम लेनी है और जिसकी एक जो देख सकते हैं ये जो दांत जैसे ये होते हैं इसके, ये ठीक ठाक लंबे हों, कम से कम देख सकते हैं आप मेरी उंगली से कंपैरिजन करके कि ये कम से कम इतने लंबे तो हों। और यहाँ से आपको जो ये ब्लेड की मदद से जो है वो काट लेने हैं। ये एक सबसे बेस्ट जो आपकी नीडल के लिए जो अल्टरनेटिव है बिना कुछ आपको और यूज़ किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ से एक कॉम का ले लिया हुआ है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके ऊपर कैसा लगेगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए अगर मैं इसे ऐसे लगाता हूँ तो ये पूरा नीडल की तरह ही काम करेगा। और आपको जो है ये कॉम जो लेनी है इसका एक ध्यान रखना है कि ये जितनी पतली हो और जितनी लंबी हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, और आपको जो है वह इसके ऊपर जो है किसी सुपर ग्लू से जो है वो इस तरह से इसके ऊपर जो है चिपका देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा जो ग्लू है वो यूज़ करना है। बाज़ार में जो है वो आपको एक फेविटाइट नाम का जो ग्लू मिलेगा जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है सेट इन 5 मिनट्स, तो आपको यही यूज़ करना है। ये बहुत ही अच्छा रहता है प्लास्टिक टू प्लास्टिक को चिपकाने के लिए। इसमें जो अब आपको दो ट्यूब्स मिलेंगी और आपको जो है वो इनमें से जो सिंपली एक एक जो ड्रॉप है वो निकाल लेनी है। और इसे जो आपको किसी भी चीज़ पे रख के जो वो मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें कि दोनों की एक एक ड्रॉप ही यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको जो इसको मिक्स करना है,
मेरे इसके ऊपर कलर के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि मेरा ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये ब्लैक हो चुका था, इसके ये उसका जो कलर है वो ब्लैक हो रहा है, तो आपके केस में ये ब्लैक नहीं होगा। आप जो इसे अच्छी तरह से जो मिक्स कर सकते हैं, और विद इन 5 मिनट्स जो है वो आपको ये यूज़ करना ही है। तो सबसे पहले तो जो है वो आपका ये जो वेट है इसे हम इसमें जो है वो लगा देंगे। को जो सिंपली इसमें लगा के इसे थोड़ा कुछ कर देना है, तो आपको जो सिंपली जो ये कॉम है इसके ऊपर जो है वो लगा देना है। उसके बाद जो वो को ध्यान रखना है कि जो ये वेट वाली साइड है ये बैक साइड पे आए और दूसरी जो फ्रंट पे, इस तरह से, और इस तरह से जो आपको ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो लगा देनी है, और ध्यान रखें कि ये हिले ना, तरह से इसे तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्टली जो लग गया है। अब इसे जो आप ड्राई होने दीजिए, 5 मिनट तक जो इसे रहने दीजिए, तब तक ये बिल्कुल जो है वो एकदम से सेट हो जाएगा। तो मैं आपको जो है 5 मिनट के बाद दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसका जो ये जोड़ है वो स्ट्रांग हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो अब सूख चुका है, और ये देखिए मैं काफ़ी जो फोर्स सप्लाई कर रहा हूँ, और ये देखिए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये देखिए आपका जो बॉन्ड है जो हमने इसमें लगाया उसने इसे अच्छी तरह से पकड़ लिया है, और इसी तरह से जो मैंने ये जो बाकी की नीडल्स हैं इन्हें भी लगा दिया है। तो इन्हें भी मैं आप थोड़ी देर सूखने देता हूँ, उसके बाद मैं जो आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। और अगर मैंने तो यहाँ पे जो है वो वाइट कलर की नीडल्स लगाई हैं, अगर आपको जो है वो ये कॉम जो है वो किसी और कलर में मिलती है तो आप उस कलर को यूज़ करके जैसे येलो कलर में भी लगा सकते हैं और ऑरेंज कलर में भी लगा सकते हैं। मगर मेरे को जो ये वाइट कलर में ही मिली और मुझे ये वाइट कलर अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाइट कलर ही यूज़ किया। आप चाहे तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है वो नीडल्स इंस्टॉल करते समय जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो ये चेक कर लेना है कि कौन सी नीडल जो कहाँ पे लगने वाली है। जैसे कि मेरे केस में ये वाली जो वो RPM मीटर की है, ये वाली स्पीडोमीटर की है, और ये फ्यूल गेज की है। और इंस्टॉल करते समय जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो इस बात का ध्यान रखना है ये भी कि जैसे आप यहाँ पे ये इसे इंस्टॉल करेंगे स्पीडोमीटर को, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसके यहाँ तक जो है इस तरह से जो है ये यहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी है। ये थोड़ा सा घुमा के इसे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगा देना है और थोड़ा सा दबा देना है, ताकि आपकी जो भी ये देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे आगे कर रहा हूँ तो ये दोबारा से आके के बिल्कुल ज़ीरो पे सेट हो रही है। इसी तरह से आपको जो है सभी की सभी जो ये लगा देनी है, थोड़ा सा पीछे से लेके इसे यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये भी परफेक्टली लग गई है, और इसी तरह से आपको ये भी लगा लेनी है। इसके बाद जो आपको सिंपली जो इसका जो ये फ्रंट कवर है ये लगा देना है। और जो इसके स्क्रूज हमने खोले थे उन्हें लगा के इसे टाइट कर देना है। देन इसका जो बैक कवर है वो हमें लगा देना है, और जो इसके स्क्रूज हैं उनको भी टाइट कर देना है।
और इसके बाद जो आपका ये देख सकते हैं कि मीटर की जो नीडल है वो एकदम से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।